आज हम आटे और बीटरूट से ये बिल्कुल आसान तरीके से रोज फ्लावर शेप में मोमोज बनाकर तैयार करेंगे, जो देखने में भी एकदम यूनिक और बनाने में देखेंगे बिल्कुल आसान। तो सिंपल तरीके से मोमोज तो आपने खूब बनाएंगे, क्या कभी आपने इस तरीके से रोज के शेप में मोमोज बनाए? अगर नहीं बनाए तो एक बार जरूर ट्राई करना, और साथ में बनाएंगे बहुत ही ज्यादा चटपटी स्वादिष्ट सी चटनी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो इसे बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है हाफ कटोरी, उसके बाद एक कटोरी के आसपास मैदा लिया है। तो आप चाहे तो खाली मैदा से बनाए या मिक्स करके, लेकिन हाफ कटोरी गेहूं का आटा मैंने और लिया है। तो दोनों को मैंने लगभग बराबर लिया है, मैदा और आटा आप समझ सकते हैं। तो ऐसे मिक्स करके बनाएंगे तब तो भी अच्छा बनता है, और वैसे भी आप चाहे तो खाली गेहूं के आटे से बना सकते हैं। अब इसमें फ्लेवर देने के लिए देखिए, मैंने बीटरूट लिया है, इसके पीसेस कट करके इसको पीस लेंगे पानी डालकर, ताकि एकदम अच्छे से बारीक पिस जाए और इसका हमें जूस ही चाहिए। तो ऐसे पीस कर आप घर पर हेल्दी तरीके से बिना किसी फूड कलर के ऐसे कलरफुल अलग अलग तरीके के स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं नेचुरल और हेल्दी तरीके से। अब इसको थोड़ा सा हम छान लेते हैं छन्नी में से, और ऊपर का जो है उसको निकाल देंगे, जो नीचे इसका जूस निकलेगा उसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका इस्तेमाल आप सब्जी दाल में कर सकते हैं। अब इसको हम आटे को दो भाग में डिवाइड करेंगे, तो एक में हम फ्लेवर देंगे, एक को सिंपल रखेंगे। और आटे के अंदर हमने देखी कुछ भी नहीं डाला, नमक वगैरह भी नहीं डाला, ऑयल भी नहीं डाला, तो ऐसे ही हम इसे तैयार कर रहे हैं। आप चाहे तो डाल सकते हैं ऐसे नमक, लेकिन मोमोज का आटा ये बिल्कुल सिंपल और ऐसा ही रहता है। और आटा एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखेंगे, थोड़ा सा मीडियम रखेंगे, टाइट हो उसके थोड़ा ऐसा। अच्छे से आटे को गूंथ कर सेट करेंगे, तो आटा देख सकते हैं ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। अच्छे से मैंने इसे गूंथ कर सेट कर लिया स्मूथ। अब इसको ढक कर रख देते हैं, दूसरे आटे को हम तैयार कर लेते हैं। तो सिंपल ऐसे ही पानी से आप आटा तैयार कर ले, बस सेम तरीके से आटे को ऐसे तैयार कर लेना है, और एक साथ पानी ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा करके डालेंगे तो आटा एकदम थोड़ा अच्छा सा लगेगा। तो बाद में ये थोड़ा सेट होगा तो थोड़ा स्मूथ अच्छा हो जाएगा, पहले थोड़ा टाइट लगेगा। आपको हाथ पर हल्का सा ऑयल लगाकर आटे को सेट कर सकते हैं, कुछ देर के लिए रख देंगे। तब तक हम दूसरी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने देखी पत्ता गोभी, गाजर, हरी मिर्च और प्याज ली है। तो इसमें जो भी वेजिटेबल आप लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं जो आपके पास है। तो मैं सभी को मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालकर ऐसे एक साथ पल्स मोड पर चॉप कर रही हूँ। आप चाहे तो चॉपर के अंदर या फिर बारीक कैसे कट भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या थोड़ा फटाफट एकदम अच्छा सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, बस रोक रोक कर चलाए, कुछ सेकंड में ये अच्छे से तैयार हो जाता है। अब नमक डालकर ऐसे मिक्स करेंगे, और कुछ देर के लिए आप 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दें, जिससे इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा। अगर पानी रहेगा तो बाद में आपको दिक्कत आएगी बनाने में, तो यहाँ पर पानी इसका अच्छे से निचोड़ कर निकाल लेना है। जितना टाइट आप ऐसे दबाकर निकालेंगे पानी पूरा अच्छे से निकल जाएगा। और पानी का इस्तेमाल आप ऐसे पीने में भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे दूसरी सब्जी की ग्रेवी में भी डाल सकते हैं, तो ऐसे कुछ फेंकने की जरूरत नहीं। अब इसके अंदर देखिए थोड़ा सा पनीर, हरा धनिया ऐसे लिया है मैंने अपनी पसंद से। आप चाहे तो यहाँ पर शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, चीज़ वगैरह अगर आप पसंद करते हैं तो चीज़ मोमोज भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये फिलिंग देखिए तैयार है। मिर्च इसके अंदर हरी पहले डाल दी थी और नमक पहले था वही है, और कुछ ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब आटे को सरफेस पर रखकर थोड़ा सा हम रोल करेंगे, सेट करेंगे ऐसी लंबाई में, बस ऐसे ही आपको थोड़ा इतने साइज में तैयार करना है। देखिए अब इसके बाद जो पिंक वाला आटा है उसको हम ऐसे रखकर बेलन से बेल लेंगे, थोड़ा सा लंबाई में इसको हम बेलेंगे। जितना आपने हम प्लेन वाला आटा तैयार किया ना उसके हाइट के बराबर इसको रखना है, बस थोड़ा सा आप सेट कर ले ऐसे, और थिकनेस में थोड़ा सा मोटा ही रखना है पिंक वाला, ताकि इसमें एक अच्छी सी लेयर बने। और ऐसे दोनों किनारों को मिलाकर थोड़ा सा सेट कर देंगे, तो रोल करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। और ऐसे करने के बाद आप चाहे तो देखिए इसे यहाँ पर रख भी सकते हैं ऐसे कुछ देर के लिए, ताकि ये सेट हो जाए, लेकिन मैं इसे तुरंत ही बना रही हूँ, तो अभी आपको थोड़ा सा सॉफ्ट लगेगा कट करने में। तो कट करने के बाद आप ऐसे राउंड में पीसेस थोड़े से दबाकर सेट कर लें, तो थोड़ा सा चाकू से ऐसे कट करेंगे तो राउंड में कटेंगे, दबेंगे नहीं। देखिए तो ऐसे कट कर ले, उसके बाद इसको थोड़ा सा सेट करें, और किनारे की तरफ आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ खींचते हुए सेट करेंगे। अब इसके बाद ऐसे बेलन से बेल लेंगे, तो यहाँ पर ऐसे आपको तैयार कर लेना सभी को। और यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ थिकनेस आपको कितनी रखनी है, बहुत ज़्यादा मतलब मोटा नहीं रखना, थोड़ा पतला ही रखना है, जितना हो उसके अच्छे से बेल लें। तो ऐसे तैयार करने के बाद देखिए मैं दिखा रही हूँ थिकनेस इसकी हमने बिल्कुल पतली रखी है, क्योंकि मोमोज की ऐसे थिकनेस ज़्यादा मोटी नहीं रहती, पतली रहती जितना हो उसके ऐसे। तो सभी को हमने ऐसे तैयार कर लिया। अब इसके बाद चाहे तो वैसे ही बना सकते हैं, अगर आपको एक बराबर साइज करना है तो ऐसे कोई भी कटोरी ग्लास से आप कट कर सकते हैं, जिससे सभी का साइज एक जैसा बराबर हो जाएगा।
अब ऐसे एक को रखेंगे, अब इसके ऊपर दूसरे को, फिर इसके बाद तीसरे को और चौथे को, ऐसे चार पीसेज मतलब लिए मैंने। अब जो फिलिंग हमने तैयार की थी उसको बीच में ही रखेंगे, ऐसे एक लाइन सी बना देंगे दोनों तरफ से हल्का सा छोड़कर आगे पीछे से, और बीच में ऐसे रखकर अब एक साइड से उठाएंगे। और यहाँ पर आपको पानी वगैरह कुछ नहीं लगाना, बस ऐसे ही सेट करना है, हल्का सा बस दबा कर रोल करें इसको। फिलिंग को थोड़ा सा उंगली से अंदर करें, बस ऐसे ही आपको सेट करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, अपने आप सेट हो जाता है, ये निकलता भी नहीं है। हल्का सा किनारे की तरफ से थोड़ा सा अंदर करना है, अब रोल करते जाएंगे। और जैसे जैसे रोज ऐसे रोल करेंगे ना, तभी देखना कितनी अच्छा डिजाइन बन जाता है। तो लास्ट में जो किनारे की तरफ है उसको उठाकर नीचे की तरफ थोड़ा सा बस दबाएं, और ये देखिए बन गया। थोड़ा सा ऊपर से ऐसे पत्तियों को चाहे तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, जिससे ये एकदम बहुत ही अच्छा सा देखिए रोज की शेप में, मतलब रोज फ्लावर की शेप में बन गया। तो लग रहा है ना एकदम बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी, और आसानी से बन जाता है, ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं है, इसे बनाने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिलिंग अपनी पसंद से आप बना सकते हैं, और शेप देखिए कितनी अच्छी बनी है। तो ऐसे ही आपको तैयार कर लेना सभी को। तो बस ऐसे ही आपको सेट करना है, फिलिंग रखना है, उसके बाद एक साइड से उठाकर ऐसे हम कवर कर देंगे, उसके बाद आसानी से आप रोल कर पाएंगे। और ये इतना आसान है, मतलब जल्दी से बन भी जाता है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। ऐसे बहुत सारी लेयर बनती है ना इसके अंदर रोज़ फ्लावर के शेप में, तो बस रोल करते जाए और ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने चार तो ये बना लिए, और सभी में थोड़ा थोड़ा आप डिफरेंट कर सकते हैं, साइज में लगभग बराबर से ही बनते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, एकदम यूनिक और एकदम कलरफुल, मतलब दो कलर में। आप चाहे तो प्लेन ऐसे या फिर ऐसे खाली बीट रूट के, मतलब उससे बना सकते हैं पूरे एक जैसे भी। अब इसे हम स्टीम करेंगे, तो ऐसे बनाकर आप क्या करें, चाहे तो रख भी सकते हैं 1-2 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है, जब मर्जी चाहे आप बना सकते हैं। मतलब जब भी कोई मेहमान आ रहे या कभी बनाना हो कोई त्यौहार फेस्टिवल पर, पहले से आप तैयार करके रख लें। आप चाहे तो 1 दिन पहले भी इसे मतलब तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं, उसके बाद आप इसे स्टीम करें, तो ये बिल्कुल अच्छे से स्टीम भी हो जाएंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं अच्छे से आपको दिखा रही थी, तो मैंने तो देखिए इसे रखा नहीं, तुरंत ही बना रही हूँ ऐसे। और दूसरी तरफ हम रख देंगे पानी गर्म होने के लिए। तो कोई भी कढ़ाई या पैन ऐसे ले सकते हो, थोड़ी सी हाइट हो, उसके अंदर कोई स्टैंड रख ले। तो 1.5 गिलास के आसपास मैंने पानी डाल दिया, और ऐसे एक प्लेट रख दी जाली वाली, उसके ऊपर आपको ऐसे ऑयल लगा लेना है, या चाहे तो इसके नीचे भी आप लगा सकते हैं। तो आपको बस हल्का सा ऑयल लगाना है, जिससे ये चिपके नहीं जब आप बाद में निकालेंगे ना। तो ऐसे रख देंगे और स्टीम करेंगे इसे ढककर, लगभग 20 मिनट का समय लग जाता है। आप चाहे तो देखिए एक कुछ देर कम ज़्यादा भी लग सकता है। तब तक हम एक चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च, धनिया, प्याज, मतलब लहसुन, टमाटर सब लिया ऐसे, और इन सबको हम ऐसे बॉईल करेंगे पानी के अंदर 5 से 7 मिनट, जिससे ये सब अच्छे से मतलब बॉईल हो जाते हैं। टमाटर के छिलके भी देखिए ऐसे निकल जाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट चटनी बनती है। पानी निकाल लेंगे, हल्का सा ठंडा करेंगे, टमाटर के छिलके और मिर्ची के ऐसे डंठल हटा देंगे, और इसको हम पीस लेंगे बस ऐसे ही मिक्सर जार के अंदर डालकर, साथ में हरा धनिया, क्योंकि ये मिर्च पहले ही है तो तीखी पहले ही हो जाएगी, थोड़ा नमक, थोड़ा नींबू का रस, जिससे ये चटनी मतलब खट्टी मीठी। थोड़ी सी मैं चीनी भी डाल रही हूँ, जिससे अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा चटपटी स्वादिष्ट चटनी तो देखिए तैयार है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही खाए, या इसके अंदर थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल सकते हैं, ज़्यादा चटपटी मतलब आपको लग रही है तो हल्की सी खट्टी मीठी भी लगेगी, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। ऐसे ही आप कई दिनों तक खा सकते हैं फ्रिज में रखकर, तो बिना किसी तड़के के ये ऐसी चटनी बन जाती है। आप ऐसे ही खाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। चटनी भी देखिए हमारी बनकर तैयार है। अब इसके बाद देख लेते हैं मोमोज को। तो मोमोज को लगभग 20 मिनट का समय हो गया है, तो 20 से 22 मिनट में ये अच्छे से स्टीम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी लेयर भी बनती है। और अभी आपको जो कलर दिख रहा होगा बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा होगा, लेकिन ये कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, पहले से भी ज़्यादा। तो बीट रूट से जब हम बनाते हैं ना, तो बाद में स्टीम या पकाते हैं तो उसका कलर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, लेकिन ये मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे गर्मा गर्म सर्व करें, सभी को पसंद आने वाला है। तो इस तरीके से आप एक बार बनाकर जरूर देखना, आपको ये तरीका बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, और बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पहली बार में एकदम परफेक्ट अच्छे से आप बना पाएंगे, जो देखने में भी एकदम यूनिक, और सब पूछेंगे कैसे बनाया,
बहुत ही ज्यादा अच्छे बनते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट से और फ्लावर की शेप में आपको दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा सा कट करके भी आपको दिखाऊंगी अंदर कितनी सारी लेयर बनती है, जिससे ये खाने में भी स्वादिष्ट लगता है खूब सारी वेजिटेबल के साथ में। और अभी भी हल्का सा गर्म है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखेंगे तो इसके अंदर देखिए कितनी सारी लेयर आपको दिखाई दे रही है, इसी से ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगता है। ऐसे अंदर से अच्छे से देखिए पक भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पकता है खूब सारी लेयर है। तो बिल्कुल आसान सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी इसी तरह की आसान, यूनिक और नई नई रेसिपी आपको मिलती रहे। और ऐसे चटनी के साथ में खाएंगे ना तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और हेल्दी तरीके से हमने बनाया गेहूं के आटे और ऐसे बीट रूट से, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनता है, आप ट्राई जरूर करना। चलिए जल्द मिलेंगे और नई वीडियो के साथ, और कमेंट करके फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।